अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक है। आपको बताएं, इससे अगला जो लेवल होता है वो टिश्यूज है, ठीक है। अब टिश्यूज क्या होते हैं कि एक जैसे सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो रही होती है तो डिफरेंट एक जैसे सेल जो सिमिलर सेल्स होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं और वो परफॉर्म करते हैं एक स्पेशल किस्म का फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या होगी? इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। यानी कि वो टिश्यू की जो लेयर है उसके अंदर सेल्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे और एक ही काम सब करेंगे। तो इकट्ठा होकर जो एग्रीगेट होगा उसको हम कहेंगे कि ये टिश्यू है। तो एनिमल के जो टिश्यूज है हमने उनको फोर क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज है, मसल टिश्यूज है एंड नर्वस टिश्यूज है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। एपिथेलियल टिश्यूज जो है उनकी क्या खास बात है कि उनके बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंट शक्लों में पाए जाते हैं, लेकिन हम उनको जस्ट एपिथेलियल टिश्यूज में इसलिए कंसिडर करते हैं कि उनका जो जनरल काम है ना वो सबका एक जैसा काम है, ठीक है। जनरली क्या है, ऑल द जो एपिथेलियल टिश्यूज होंगे ना वो किसी ना किसी चीज को कवर कर रहे हैं या लाइनिंग कर रहे हैं। जैसे अब हम शीट्स चढ़ा देते हैं अपनी कॉपीज पे, बुक्स के ऊपर लाइनिंग जो होती है इसी तरह जो है एपिथेलियल टिश्यूज जो होंगे ना उनकी खास बात क्या है कि वो कवर करते हैं या लाइन समथिंग। यानी कि कोई कैविटी है, ठीक है, उसकी जो लाइनिंग है वो एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई होगी। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, हमारी जो यूट्रस है जो है, या जैसे लंग्स है, ठीक है, उनकी जो कवरिंग है वो एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होगी। तो जनरली जो है एपिथेलियल टिश्यूज के स्ट्रक्चर फॉर्म तो डिफरेंट है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम की अंदर जो लाइनिंग है उसका स्ट्रक्चर जो है वो उससे फर्क है जो यूट्रस के। लेकिन मेनली क्या इनका काम है कि ये कवर करते हैं या लाइन समथिंग, ठीक है। और जो उनका जनरल और जो करेक्टरिस्टिक कॉमन है सब में कि वो रीन्यूएबल शीट ऑफ द सेल्स है। यानी कि सेल्स वो ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली जो है माइटोटिक डिवीजन होती रहती है, और अगर वो डैमेज हो जाए तो उनको रीन्यू हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टिश्यूज ऐसे जैसे नर्वस टिश्यूज है वो रीन्यू नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए इनको हम जनरलाइज इसमें कैटेगरी में ले जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इनकी क्या खास बात है कि डिफरेंट जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, क्योंकि हमने कहा कि स्ट्रक्चरल फॉर्म डिफरेंट है। अब ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्म इनकी डिफरेंट है वो किस वजह से, कि उनकी सरफेस के ऊपर कुछ स्पेशलाइज जो है सरफेस स्पेशलाइजेशन होती है जिसकी वजह से वो रोज अपने स्पेसिफिक रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो इस ये जनरलाइज है, ये सब किस्म के जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनके जनरल यही उनके अंदर मेन पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जहां पे भी एपिथेलियल टिश्यूज मौजूद होते हैं जिसके भी ऑर्गन को कवर करें या उसकी लाइनिंग को करें, तो उनकी खास बात क्या होती है कि एपिथेलियल टिश्यूज के नीचे एक सेल्स की लेयर होती है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, हमेशा एपिथेलियल टिश्यूज को जो है नीचे जो से पाए जाते हैं सेल्स हैं उनसे सेपरेट कर देती है एडजेसेंट टिश्यूज से, ठीक है। अब डिफरेंट जो काम करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, देखे गए 6 किस्म के काम जो हैं वो डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यूज हमारी बॉडी में करते हैं। सबसे पहला काम जो है एपिथेलियल टिश्यूज जो है ना एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पर होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की हमारी लाइनिंग है, ठीक है, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसकी जो फर्स्ट ये बाउंड्री है ये क्या है, ये एपिथेलियल लाइनिंग है, ठीक है। और ये क्या करती है, जो इसमें डाइजेशन हो जाती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन उसके मटेरियल को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, ये एपिथेलियल लाइनिंग। उसके अलावा ये क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है। अब ये ट्रांसपोर्ट किसमें हो रहा है, जब किडनी की बात आ जाती है, किडनी की जो ट्यूब्यूल्स है उनके अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, यानी कि उसके अंदर मूवमेंट हो रही होती है मटेरियल की, वो भी एपिथेलियल टिश्यूज की वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद जो है और क्या काम एपिथेलियल टिश्यूज हमारी बॉडी में करते हैं, एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन में क्या करते हैं, स्वेट ग्लैंड्स जो है, ठीक है, जो कि हमारा स्वेट बनाते हैं, ठीक है। वो जो स्वेट बाहर निकलता है हमारी बॉडी से, यानी कि हमारे पोर्स से, वो एपिथेलियल टिश्यूज के थ्रू होता है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। उसके अलावा जो है क्या करते हैं, 5 काम है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज,
प्रोटेक्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं, जो हमारी स्किन लाइनिंग है सारी, ये एपिथेलियल टिश्यू सी बनी हुई है, ठीक है। तो अब ये क्या करती है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है हर तरह के डैमेज से। जहां कहीं पोर होता है तब हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो सकता है, वरना ये हमारी गार्ड लाइन है कि इसकी वजह से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है। उसके अलावा जो है ये नर्वस सेंसेशन में भी काम करती है, क्योंकि इस सेंसरी न्यूरॉन्स इनके अंदर जो है, इन टिश्यूज के अंदर ही हमारे नर्व सेल्स मौजूद होते हैं जो सेंसरी रिसेप्शन का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट बर्ड इन द टंग, ये जो हमारी टंग है इसकी जो ऊपर हमारी कवरिंग है वो एपिथीलियल टिश्यूज की बनी हुई है, और उन एपिथीलियल टिश्यूज के अंदर उसी ने जगह दी है किसको, नर्व सेल्स को, ताकि वो सेंस हो सके, ठीक है। तो यही जो है नर्वस सेंसेशन में भी इन्वॉल्व है, ठीक है। ये तो हो गए इनके मुख्तलिफ काम। अब जो इनकी जो है मुख्तलिफ काम, अब ये जो अगर पांच तरह के काम दे कर सकती हैं, इसका मतलब है कि इनके ऊपर डिपेंड करता हुआ है कि इनकी शेप साइज एंड अरेंजमेंट भी डिफर होती है, क्योंकि वो इनके फंक्शन से रिलेटेड होती है। जो काम एब्जॉर्ब करने का है, तो उधर जो है जो एपिथेलियल टिश्यूज का साइज शेप और उनके अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। ट्रांसपोर्ट का काम जहाँ करती है उधर उसका डिफरेंट होगा, एक्सक्रीशन डिफरेंट, ठीक है। तो जो शेप साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू किस पे डिपेंड करता है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि किस तरह का रिलेटेड काम वहां पर हो रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, जो एपिथेलियल टिश्यूज की जो है वो किसकी बेस पर है, उसकी शेप की बेस पर और लेयर्स की बेस पे, कि सिंगल लेयर है कि एक से ज्यादा लेयर्स हैं, ठीक है। और उसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर है, कॉलमनर है, इसको हम कहते हैं इसकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द शेप। अच्छा, अब सेल्स की एपिथेलियल टिश्यूज की जो है हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। दो तरह से इसको हम क्लासिफाई करते हैं, लेयर्स की बेस पर और फिर उसकी शेप की बेस पर। लेयर्स की बेस में हम इसको कहते हैं सिंपल या स्ट्रेटिफाइड। सिंपल अगर जो सिंगल लेयर्ड ऑफ सेल है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि ये सिंपल जो है वो है एपिथीलियम है, सिंपल है, सिर्फ वन लेयर ऑफ द सेल्स होगी। और स्ट्रेटिफाइड अब उस वक्त कहेंगे जब टू और मोर इसकी लेयर्स होंगी एक दूसरे के ऊपर बिछी हुई होंगी, तो हम कहेंगे कि स्ट्रेटिफाइड लेयर है, ठीक है। तो इसको हम का नाम क्या, स्ट्रेटिफाइड। उसके बाद जो है अगर अब इंडिविजुअल एपिथीलियम सेल्स हों या स्ट्रेटिफाइड हो, उनकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, ठीक है। स्क्वैमस होंगे, जो स्क्वैमस होते हैं वो इस तरह की जो शक्ल होती है ना, उसको स्क्वैमस कहते हैं। तो ये जो होगा स्क्वैमस सिंपल एपिथीलियम है, ठीक है, यानी कि उनकी एक ही लेयर है, ठीक है। और ये इस तरह एक लेयर डबल नहीं है, ठीक है। क्यूब शेप जो है ना, बाकायदा जो है उसकी जैसे क्यूब की शक्ल होती है ना, उसकी तरह होते हैं ये, जैसे क्यूब होता है, ठीक है। इस तरह जो है क्यूब की शक्ल के होंगे, तो ये क्यूब शेप्ड कहलाएंगे एपिथेलियल टिश्यूज। और क्यों इनको, इसका दूसरा क्या नाम होता है, इनका नाम होता है क्यूबॉइडल, ठीक है। क्यूब शेप्ड का नाम है क्यूबॉइडल, और जो फ्लैट से होते हैं उनको हम कहते हैं स्क्वैमस, ठीक है। और फिर होते हैं कॉलमनर, इस तरह कॉलम की तरह, इनको कॉलम लाइक, या इनका नाम है कॉलमनर एपिथीलियल टिश्यूज, ठीक है। ये तीन होगी इसकी शेप के बुनियाद पर, ठीक है। अब कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनको नाम दिया है साइंटिस्ट ने सूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स। स्ट्रेटिफाइड का मतलब तो लेयर होता है, सूडो का मतलब है झूठ, ठीक है। अब होता है इसमें कि ये कैसे होते हैं, कॉलमनर सेल्स होते हैं, इनके अंदर सिलिया होता है, ठीक है। और देखने में ऐसे लगता है कि जैसे ये जो है लेयर्स में, लेकिन असल में लेयर्स में ये होते नहीं है, ठीक है। ये आप इस तरह सेल्स होते हैं कि एक दूसरे के साथ क्लोज क्लोज होते हैं, किसी में न्यूक्लियस यहाँ पर है और किसी में न्यूक्लियस यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे। और इनका ऊपर सिलिया होते हैं, ठीक है। अब जब साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑब्जर्व किया उनको, तो उनको देखने में क्या लगा कि ये जो है स्ट्रेटिफाइड लेयर है, कि एक न्यूक्लियस यहाँ नजर आ रहा है, एक न्यूक्लियस। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि अगर स्ट्रेटिफाइड लेयर हो तो इस तरह होती है, यू यू, ठीक है, एक न्यूक्लियस इसका इधर, एक न्यूक्लियस इधर, ये स्ट्रेटिफाइड लेयर होती है, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने जब उनको देखा, तो उन्होंने ये देखा कि कहीं पर न्यूक्लियस यहाँ पे नजर आ रहा है और कहीं पर यहाँ पर होते हैं, ठीक
ठीक है, तो उनको भी जगह लगा कि ये स्ट्रेटिफाइड है, लेकिन जब बहुत डिटेल में देखा तो उन्होंने कहा कि ये एक एक सिलिया है और ये ऐसे है सिलिएटेड, स्यूडो तो स्ट्रेटिफाइड नहीं है, लेकिन उनको नाम रख दिया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स।